अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंपायर्स की एक दफा फिर बड़ी बेईमानी ने पाकिस्तान टीम को जीता हुआ मैच हरवा दिया है। दोस्तों टेस्ट डेब्यूटेंट आज साइम अयूब, जो के टेस्ट कैरियर में अपना अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, फर्स्ट क्लास कैरियर में साइम अयूब ने 203 रन हाईएस्ट किए हुए हैं और 3 सेंचुरीज और 350 स्कोर कर रखे हैं, और आज 3 स्कोर भी नहीं कर पाए बल्कि 0 स्कोर पर ही आउट हो गए, 3 गेंदे भी नहीं खेल पाए। अंपायर की बड़ी बेईमानी सामने आ गई, आप देख सकते हैं बल्ले से कितनी गेंद दूर गई लेकिन अंपायर ने फिर भी आउट दे दिया। और उसके बाद बाबर आजम के साथ भी सेम यही मामला पेश आया, 26 स्कोर पर बाबर आजम आज जो कि शानदार इनिंग खेल रहे थे, क्लासिकल फोर्स उनकी जानिब से देखने को मिले। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड को उन्होंने अच्छी शॉट्स खेली लेकिन उसके बाद अंपायर की एक और गलत कॉल ने बाबर आजम को भी आउट करार दे दिया और बाबर आजम 40 गेंदों पे 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और आज पाकिस्तान डे वन पे जब लंच ब्रेक हुआ तो 75 स्कोर पर 4 आउट हैं। क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत पाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।